भाई लोग क्या हालचाल एंड वेलकम टू माय चैनल। सीक्रेट इन्विजन का ट्रेलर आ चुका है। इस सीरीज फेज 5 की पहली सीरीज होने वाली है। एंटमैन क्वांटम मेनिया से फेज 5 शुरू हो चुका है। सीक्रेट इन्विजन का ट्रेलर देखने के बाद सिर्फ मैं एक चीज बोलूंगा, मजा आया। ट्रेलर में हमें निक फ्यूरी देखने को मिलते हैं जो इस सीरीज में मेन लीड में नजर आने वाले हैं। इस दुनिया में कुछ बहुत बुरा हो रहा है, इसीलिए निक फ्यूरी को रिटर्न आना पड़ा। हालांकि हमें निक फ्यूरी का कब्र भी देखने को मिला, लेकिन बंदे में अभी भी दम है। शील्ड को ऐसे ही लीड नहीं करता था भाई। हमें शील्ड के मेंबर भी देखने को मिले, अपना टकलू भाई और मारिया हिल और 2-4 लोग। यहाँ पे द स्क्रल मेन विलन है जी गाइस, हाँ, जो सबको धोते हुए नजर आ रहा है। स्क्रल ऑलरेडी गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी में अपीयर हो चुका है। अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स फर्स्ट अपीयरेंस जो स्क्रल का माना जाता है वो फैंटास्टिक फोर में, जो कि 1962 में हुआ था। गाइस, स्क्रल एक ऐसा एलियन है जो अपने रूप को आसानी से चेंज कर सकता है। लेकिन बात यहाँ पे ये उठती है कि निक फ्यूरी और स्क्रल का भाई साहब दुश्मनी क्या है। गाइस, ट्रेलर में एक डायलॉग है, खुद को जिम्मेदार मानते हो? ये लड़ाई मेरी है। इसका मतलब फ्यूरी ने कुछ ऐसा कांड किया है कि जो बहुत खतरनाक है, इसलिए वो एवेंजर को अपने साथ शामिल भी नहीं करना चाहता लड़ाई में। गाइज, वो अकेला ही जंग लड़ना चाहता है। हमें ट्रेलर में कमरे के अंदर बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं जिसमें बिजली जैसा चीज कुछ कनेक्ट है, जो कि काफी भयंकर लग रहा है। गाइज, कहीं सारी लड़ाई की वजह यही तो नहीं? No, God, please, no! आपको क्या लग रहा है वो जरूर बताएं। ऑल ओवर ट्रेलर की बात की जाए तो गाइज मुझे काफी बवाल लगा, और खास करके जो स्क्रल का अपीयरेंस था वो भी मुझे काफी ठीक लगा। हाँ, जहाँ कहीं कहीं भी इसमें मुझे खामियां दिखी कि सिर्फ हमें जहां निक फ्यूरी ही नजर आएंगे तो क्या खाक मजा आएगा। हमें मांगता था कि एवेंजर का कोई ना कोई बंदर नजर आए, लेकिन तो भी ठीक है। होप गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया, अब हम सीरीज का इंतजार कर सकते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।